हेलो, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो, नहीं सर, एक मिनट, अभी दिखा है। यस सर, अभी दिख रहा है। ठीक। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इन द डेरिवेशन ऑफ द पियर्स इक्वेशन, तो आपकी जो सेवन इक्वेशंस हैं पियर्स की, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेन वी है ना, और जिनको जैसे मैंने बताया आपको, फैब्रिक के अंदर 11 पैरामीटर्स होते हैं, फाइव फ्रॉम द वार्प, दैट इज योर फॉर द वार्प L1, P1, H1, आपका थीटा 1, C1, और फॉर द वेफ्ट इट इज L2, P2, H2, थीटा 2, C2 है ना, एंड कैपिटल डी बराबर सम ऑफ द डायमीटर D1 प्लस D2। ये आपका काउंट को कवर करता है। ये डायमीटर से हम काउंट से डायमीटर निकाल लेते हैं, और ये कैपिटल डी को डिनोट करता है। तो मैंने इन द डे आपके फाइव इक्वेशंस को मैंने ये आपका फाइव इक्वेशंस को मैंने आपको बता दिया था ड्राइव करना। आज मैं सिक्स इक्वेशन को आपको, सिक्स और सेवेंथ इक्वेशन, जो आपका फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन, इनको मैं ड्राइव करना आपको बताऊंगा। डेरिवेशन ऑफ पियर्स इक्वेशन, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, P2 इज इक्वल टू L1 माइनस D θ1 कॉस थीटा कॉस्ट वन प्लस डी इंटू साइन थीटा वन है ना। ये कल मैंने आपको ड्राइव किया था। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द पियर्स। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। आपको ड्राइव नहीं करना है, खाली आपको ये लिखना है कि बाई सिमेट्री इफ यू टेक इंस्टेड ऑफ द वेफ्ट यू टेक द वार्प, एंड इंस्टेड ऑफ द वार्प यू टेक द वेफ्ट। तो ये जो आपका इक्वेशन है, तो ये आपका P2 की जगह पर हो जाएगा P1। तो दिस विल बी इक्वल टू P1 बराबर, खाली सफिक्स आपके चेंज हो जाएंगे, L2 माइनस D θ2 कॉस थीटा टू प्लस डी इंटू साइन थीटा टू। ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है आपकी पियर्स की, और ऑलरेडी मैं ड्राइव कर चुका हूं आपका इक्वेशन आपकी, दैट इज द सम ऑफ द क्रिम्प एम्पलीट्यूड, दैट इज द H1 प्लस H2 इज इक्वल टू सम ऑफ द डायमीटर D1 प्लस D2 है ना। इफ यू नो द काउंट ऑफ द वार्प देन यू कैन कैलकुलेट द डायमीटर D1, क्योंकि D1 बराबर होता है आपका फ्रॉम द पियर्स इक्वेशन, इट इज फॉर द कॉटन यार्न 28√N1। तो इससे आप डायरेक्टली, अगर आपको काउंट यार्न का मालूम है तो आप D1 को निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आपको वेफ्ट का काउंट मालूम है N2, तो आप D2 को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको आप, यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज। जैसे मैंने बताया, इसका मेन यूज होता है आपका, दिस इज इक्वल टू कैपिटल डी। ये भी मैंने, ये आपके वैसे तो सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स कहलाती है आपकी, ठीक है ना। और क्रिम्प आपको मालूम है, आपने टेस्टिंग में भी निकाला होगा, फैब्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल में भी सेकेंड ईयर में बता जी ने निकलवाया होगा। तो C1 क्रिम्प एम्पलीट्यूड ऑफ द वार्प इज इक्वल टू L1 माइनस P2 अपॉन P2 है ना, मतलब मॉड्यूलर लेंथ ऑफ द वार्प स्पेसिंग एंड डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो ये होता फ्रैक्शनल क्रिम।
और दूसरा ये होती है आपकी थर्ड इक्वेशन, इसको इसको आप कह सकते हैं फिफ्थ इक्वेशन। और ऐसे ही सी टू बराबर होता है क्रिम्प एम्पलीट्यूड ऑफ द वेफ्ट इज इक्वल टू एल टू माइनस पी वन अपॉन पी वन। तो हम इस तरीके से ये आपका सिक्स इक्वेशन है और आपका जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूं, ये मैं यहां ड्राइव भी करूंगा। क्रिम्प एम्पलीट्यूड एच वन बराबर होता है आपका, ये वैल्यू होती है आपकी, दिस इज द क्रिम्प एम्पलीट्यूड एच वन, और इसकी वैल्यू होती है आपकी एल वन माइनस डी थीटा वन इंटू साइन थीटा वन प्लस डी इंटू वन माइनस कॉस थीटा वन। ये होती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ द पियर्स। ऐसे आपकी एच टू इफ यू मेक द क्रॉस सेक्शन थ्रू द वार्प इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वेफ्ट you take a, this as a warp, then this will be equal to आपका H2, क्योंकि अगर ये आपका warp को use करेंगे तो यहाँ पर आपका weft आ जाएगा और ये जो crimp amplitude होगा वो H2 के बराबर होगा। तो H2 will be equal to ये L2 minus D theta 2 sin theta 2 प्लस डी इंटू वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हो जाएगा आपका फोर्थ इक्वेशन। ये सात इक्वेशंस हैं और आपके इलेवन वोवेन पैरामीटर्स हैं। तो हम कोई नया कपड़ा बनाते हैं तो ये सातों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके वो ग्यारह पैरामीटर हमें वर्कआउट करने पड़ते हैं। कुछ पैरामीटर्स तो हमें नोन होते हैं और कुछ पैरामीटर हमें इन इक्वेशन से निकालने पड़ते हैं। ये पॉसिबल हुआ व्हेन व्हेन डॉक्टर एफटी पियर्स हैज गिवन ऑल द सेवन इक्वेशंस। पहले क्या होता था कि ये टेक्सटाइल के अंदर सब मतलब एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था और इससे इंडस्ट्रीज के अंदर हम सब पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते थे। तो दिस इज डन इन द 1937। जब तक इनका पेपर प्रेजेंट नहीं हुआ, इनके तीन पेपर मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं का समरी मैंने आपको दी हुई है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके डिटेल सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेज दिया, आप उससे प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने आप घर पर आप ड्राइव करिए इन इक्वेशंस को, क्लियर। एग्जामिनेशन के अंदर मिड टर्म वगैरह के अंदर आपको इक्वेशंस को ड्राइव करना है, ठीक है ना। खाली आपको सुनना नहीं है कि लेक्चर सुन के और फोन रख देते हैं आप, है ना। आप घर पर आप इसको ड्राइव करिए, ठीक है। जैसे विवेकानंद ने कहा, कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना तो दैट थिंग मस्ट बी इन योर ब्लड। आपके जब तक कि वो आएगी नहीं तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाइएगा। आप ये जो आप क्रैम करके सब चीजों को आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड और आपकी सिंपल मैथमेटिक्स आपकी यूज हुई है। आपने एम वन एम टू वगैरह के अंदर जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एंड अभी दूसरी इक्वेशंस में लूंगा उसके अंदर डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन वगैरह यूज होंगी, तो ये सब आपका मैथमेटिकल बेस है। और कोई भी चीज का जो बेस होता है वो मैथ पर डिपेंड है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, है ना। तो अभी आपने पढ़ रखा है सेवेंथ में E बराबर MC स्क्वायर, तो आइंस्टीन ने जो फार्मूला दिया था तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो ये आपका 20वीं सदी का सबसे बड़ा फार्मूला था, है ना। उसी से आज ये पूरी जो एनर्जी आपको मिल रही है एटॉमिक एनर्जी, अदरवाइज ये कोयला ये सब आपका कोयला वगैरह तो सब खत्म हो जाते हैं। आपको लाइट और ये जो सब आपको मिल रहा वो उन्हीं की वजह से है ना। और आप ये जो आप देख रहे हैं अमेरिका और ये रूस वगैरह को जो सुपर पावर आपके बने हुए हैं, ये बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बम, ये आपका एटॉमिक बम एंड दिस थिंग, ये जो मिसाइल्स वगैरह आप सब देखते हैं प्लेन वगैरह के अंदर, तो ये सब उसी के ऊपर हुआ है सब। तो व्हाट ही डिड कि और कभी आप देखें तो आइंस्टीन ने कहा था कि आदमी अपने दिमाग का 5% ही यूज कर पाता है, 95% तो बेकार रहता है ना। आप आधे टाइम तो पिक्चर वगैरह ये सब वगैरह करते रहते हो तो आधा टाइम तो आपका उसी में निकल जाता है,
है ना, आप इनके नोट्स को आप बनाइए, ठीक है। तो ये 7 इक्वेशंस है पियर्स की, ठीक है। अब आज मैं इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको बताऊंगा कि H1 बराबर दिस वन, ठीक है। आप लोग भी ये फिगर बना करके खुद ड्राइव करिए इक्वेशन को, तब आपको ये समझ में आएगा। ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो H1 है यहां पर, क्रिम्प एम्पलीट्यूड H1, हाँ, ये है आपका H1 यहां से लेकर के यहां तक का, दैट इज इक्वल टू HE, और HE को हम ब्रेक कर सकते हैं HG प्लस GF प्लस FE, ठीक है ना। इसको मैंने HE को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है ना, और बाई सिमेट्री HG इज इक्वल टू FE, ठीक है ना। HE जो है वो FE के बराबर है, तो वी कैन राइट एज ए 2 HG प्लस GF, ठीक है ना। तो H1 बराबर हो जाएगा, तो ये 2 पार्ट के बराबर हो गया, एंड यू नो दैट द HG इज इक्वल टू IM 2 IM प्लस, और आपका GF इज इक्वल टू LN, ठीक है ना। तो इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब आप देखें तो यहां पर आपको 2 पार्ट निकालते हैं, 2 IM प्लस LN। तो पहले हम LN को निकाल लेते हैं। LN आपका क्या है, ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका KLN, है ना, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है KL और N। इसके अंदर आप देखें तो आपका, मैंने स्टेट वैल्यू आपकी निकाल रखी है, आपके वार्प के जो मॉड्यूलर लेंथ है वार्प आपकी L1, इसके 2 पार्ट हैं, एक है आपका कर्वेचर पार्ट और ये स्टेट पार्ट, फिर ये कर्वेचर पार्ट। कल मैंने आपको तो ये जो स्टेट पार्ट है, ये यहां से यहां तक का आपका स्टेट पार्ट है, इसकी वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी। ये आपका स्टेट पार्ट है आपका KL बराबर हो जाएगा KL, कल मैंने कैलकुलेट किया था, इट इज इक्वल टू L1 माइनस D θ1। कल के नोट्स आप देख लीजिए, इट इज इक्वल टू L बराबर है L1 माइनस D θ1, है ना। तो ये राइट एंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है KLN, तो इसके अंदर KL की वैल्यू मालूम है। अब नाउ यू नो दैट द sin θ1, तो आपको मालूम होना चाहिए sin θ1 इन KLN ट्रायंगल। तो sin θ बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट इट इज LN, और आपका स्ट्रेट पोर्शन है आपका, इट इज इक्वल टू KL। तो KL, तो ये बराबर हो जाएगा LN अपॉन KL की वैल्यू लिख रखी है आपने, कल निकाली थी मैंने, L1 माइनस D θ1, ठीक है ना। अब आपका जो LN हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा ln बराबर हो जाएगा एल वन माइनस डी थीटा वन इंटू साइन थीटा वन, ठीक है ना। तो एल एन की वैल्यू आपको मालूम हो गई, ठीक है। अब आपको निकालनी आई एम की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर टू। अब आपको निकालना है आई एम की वैल्यू, तो आई एम बराबर हो जाएगा टू आई एम, तो टू इंटू ये आई एम बराबर हो जाएगा आपका आई वाई माइनस एम वाई, अब ये देखिए आई वाई बर आई वाई किसके बराबर है, ये आपका आई वाई, ये यहां से यहां तक की दूरी है, तो ये है आपका कितना आर टू, ये है आपका आर टू और ये है आपका आर वन, तो आई वाई बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस एम वाई, एम वाई आपका ये वैल्यू है। आप देखें तो ये यहां पर आपका ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये ट्रायंगल है आपका एल एम वाई, एल एम वाई, ठीक है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और आपका जो एम वाई है ये बेस है आपका, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है यहां पर एल एम वाई, ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये एंगल थीटा वन के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर सॉरी ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा वन बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है आपका एम वाई, कर्ण है आपका एल वाई, एल वाई की वैल्यू अगेन हो जाएगी आपकी आर वन प्लस आर टू के बराबर, ठीक है ना। तो एम वाई बराबर हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू इंटू कॉस थीटा वन, ठीक है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एल एम वाई के अंदर आप देखें तो कॉस थीटा वन बराबर हो जाएगा आपका आपका ये आधार बटे कर्ण, है ना। तो ये आपका आधार है आपका एम वाई और कर्ण है आपका आर वन प्लस आर टू, तो एम वाई बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू इंटू कॉस थीटा वन। इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर ये आपका ये थ्री में आप रख दीजिए, तो आपका टू आई एम बराबर आ जाएगा आपका सर आधार मतलब हाइपोटेन्यूज कह रहा ना। हाँ 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 ये आर वन प्लस आर टू है ना, आधार ये हो जाएगा एम वाई और ये कर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कर्ण हो जाएगा आर वन प्लस आर टू और आधार हो जाएगा आपका एम वाई, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से आप आई एम को निकाल लेंगे, तो आई एम बराबर टू आई एम बराबर हो जाएगा आपका ये आपका ये टू
इंटू आई एम बराबर है आपका आर वन प्लस आर टू माइनस एम वाई आपने निकाल लिया तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू इंटू कॉस थीटा वन, ठीक है ना। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी दो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टू आर वन प्लस टू आर टू माइनस टू आर वन प्लस टू आर टू इंटू कॉस थीटा वन, ठीक है ना। अब आप देखें तो ये जो आपका आर वन है ये डबल ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू द डायमीटर, तो दिस विल बी इक्वल टू डी वन प्लस डी टू, अगेन दिस विल बी इक्वल टू डी वन प्लस डी टू। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा आपका ये टू आई एम विल बी इक्वल टू डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन प्लस डी टू इंटू कॉस थीटा वन, ठीक है ना। या इसको आप लिख सकते हैं डी वन डी टू को आप कॉमन ले लें और पियर्स ने इसको माना है कैपिटल डी, तो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल डी एंड वन माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है ना। एज डी वन प्लस डी टू बराबर हो जाएगा कैपिटल डी। तो इस तरीके से आपकी आई एम की वैल्यू आ गई। अब ये आपके आई एम की वैल्यू मालूम हो गई, टू आई एम की वैल्यू, एल एन की वैल्यू मालूम हो गई आपको, एल एन की वैल्यू। अब इसको आप पुट कर देंगे यहां पर, ये जो आई एम की वैल्यू आपने निकाल ली, अभी ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर है आपका, ये आई एम की वैल्यू आपने निकाल लिया, इट इज इक्वल टू थ्री। तो अब वैल्यू ऑफ द एल एन एंड आई एम पुट इन इक्वेशन नंबर वन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एच वन बराबर, ये आ जाएगा आपका L1 माइनस d थीटा वन इंटू साइन थीटा वन, ठीक है ना। ये वैल्यू रख दी मैंने L1 माइनस d थीटा वन, फिर ये आपका 2IM की वैल्यू रख दी मैंने d इंटू वन माइनस cos थीटा वन। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी क्रिम्प एम्पलीट्यूड एच वन बराबर, अगर आपको ये वैल्यूज मालूम है तो क्रिम्प एम्पलीट्यूड को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई थर्ड। ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन को आप निकाल सकते हैं। तो आप देखें तो ये इक्वेशन जो आपने ड्राइव कर लिया, तो दैट इज इक्वल टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ द पियर्स।
जिसका मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया, और ऑलरेडी मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भेज रखा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप खुद आप ड्राइव करिए इक्वेशन को, जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही उस नोट्स के अंदर भी ड्राइव्ड है, ठीक है ना। तो यू कैन टेक एज ए, ये आपका एच वन बराबर तो ये हो जाएगा, ऐसे ही एच टू बराबर आपका हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन के अंदर या टेस्ट में आपको एच टू को ड्राइव नहीं करना है, खाली आपको ये लिख देना है कि भी वार्प की जगह वेफ्ट ले लीजिए, और वेफ्ट की जगह वार्प ले लीजिए तो एच टू क्रिंप एम्पलीट्यूड ऑफ द वेफ्ट विल बी इक्वल टू एल टू माइनस डी थीटा टू साइन थीटा टू प्लस डी इंटू वन माइनस कास थीटा टू, ठीक है ना। तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन, और ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने आपको सब इक्वेशन बता दी हैं, तो ये दीज आर ऑल द सेवन इक्वेशन ऑफ द पियर्स। तो जब हम वीविंग के अंदर डिजाइनिंग के अंदर कोई नया फाइबर या हमें कोई जैसे जूट फाइबर है, कार्बन फाइबर है, या आप कोई ग्लास फाइबर है, टेक्निकल टेक्सटाइल वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं, तो हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, तभी हम फैब्रिक को आप एस्थेटिक अपील या उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें 11 पैरामीटर्स को निकालना होता है, तो उनके लिए ये 7 इक्वेशंस हैं हमारी, जो मैं आपको भी बता रहा था, दीज आर ऑल द 7 इक्वेशन ऑफ द पियर्स, और इन्हीं को सॉल्व करके हम 11 पैरामीटर्स को वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल द 7 इक्वेशन ऑफ द पियर्स। तो अब दो चीजें आपके पास, या तो आप इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए, तो इनको जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया जाता है ना, ये बीटेक वगैरह ये आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं मैटलैब के सॉफ्ट, तो क्योंकि वहां पर आपका मैथमेटिक्स का काफी यूज होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर, तो वहां पर हम क्या करते हैं उसका यूज करते हैं, तो उनके द्वारा भी हम इन 11 पैरामीटर को हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। आप जो इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उनको आप उससे सॉल्व कर सकते हैं मैटलैब से, लेकिन ये सब इक्वेशन हमारी अनसिमेट्रिकल्स हैं, तो इनको सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसके लिए फिर इसके लिए अप्रोक्सीमेशन किया गया है, और इसके द्वारा हम इन वैल्यूज को वर्कआउट कर लेते हैं आसानी से, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया, या आप इसके लिए फिर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, अगर आप 11 पैरामीटर आपको वर्कआउट करने हैं, तो उन मैं आपको दिखाऊंगा और सॉफ्टवेयर अगले टर्न पर कि किस तरीके से हम 11 पैरामीटर्स को हम उस सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं, जो आप फैब्रिक एनालिसिस के अंदर जो आप फैब्रिक सैंपल से कुछ पैरामीटर आप निकाल लेते हैं, उन पैरामीटर की वैल्यू सॉफ्टवेयर में फीड करनी पड़ेगी, और सब पैरामीटर्स हमारे ऑलरेडी उससे कैलकुलेट होके निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 7 इक्वेशन ऑफ द पियर्स। अब आपको इसके द्वारा अभी हम क्या करेंगे, इनको हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे, और अभी आप जैसे H1 की वैल्यू आप देख रहे थे ऐसे ही अभी अप्रोक्सीमेट करके ये आपका H1 बराबर हो जाएगा 4 by 3 P2 under root C1, है ना। ये फार्मूला आप यूज करेंगे, इससे आप डायरेक्ट आप H1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या तो H1 की वैल्यू इन इक्वेशन से आप निकालिए, या H1 की वैल्यू उससे बड़ा कठिन आपको लगेगा, हार्ड है, यहां पर आप C1 की वैल्यू आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आपको मालूम है C1 बराबर क्रिंप एम्पलीट्यूड बराबर है या आपका L1 माइनस P2 अपॉन P2, है ना। तो इससे आप C1 क्रिंप एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, और P2 मैंने बताया P2 बराबर होता है आपका
ये P2 बराबर होता है इनवर्स ऑफ द पीपीआई, वन ओवर पीपीआई काउंटिंग ग्लास से जो पिक्स पर इंच निकालते हैं, तो इसके द्वारा P2 की वैल्यू आप, ये P1 या P2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर ये P2 है, दो वेफ्ट के सेंटर की दूरी है, तो इसको आपको निकालने के लिए काउंटिंग ग्लास आपको यूज करना पड़ता है। तो काउंटिंग ग्लास से आप पीपीआई निकाल लेते हैं और इससे आप P2 निकाल लेते हैं, और P2 मालूम हो गया, P1 C1 मालूम हो गया, तो डायरेक्ट आप H1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपके गेट वगैरह के अंदर या आपके एग्जामिनेशन वगैरह में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, P2 विल बी गिवेन, C1 विल बी गिवेन, यू हैव टू कैलकुलेट द H1, ठीक है ना। या ऐसे ही आप H2 को भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, तो जैसे आप देखें तो ऐसे ही आपका एच टू बराबर हो जाएगा 4/3 पी वन अंडररूट सी टू। तो जैसे मैंने बताया एच वन को निकाल लिया, एच टू को निकाल लिया आपने, सी टू को आप निकाल सकते हैं, जैसे आपने सी वन निकाला है पी वन को निकाल सकते हैं। अगर आपको ईपीआई मालूम है इंच पर इंच, तो आप P1 बराबर हो जाएगा स्पेसिंग ऑफ द वार्प सेंटर, इट इज इक्वल टू आपका EPI, इंच पर इंच जो आप कपड़े के अंदर निकालते हैं उससे आप P1 को निकाल सकते हैं। तो आपको H1 मालूम हो गया, H2 मालूम हो गया। अगर आपको डायमीटर आपको निकालने हैं, जो सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स है, H1 प्लस H2 बराबर है ना, ये D1 प्लस D2 बराबर होता है कैपिटल डी। तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं, एच वन मालूम हो गया, एच टू मालूम हो गया, तो कैपिटल डी आपसे पूछा जा सकता है, या आपका काउंट दिया गया है डी वन, तो आप डी टू को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारी चीजें आप डायरेक्टली इन इक्वेशंस के लिए आप डिजाइनिंग के अंदर निकाल सकते हैं इक्वेशन से। तो इसका मैं अप्रोक्सीमेशन आपको बताऊंगा, इसका अप्रोक्सीमेशन हुआ है यूलर्स थ्योरम से। मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ रखा होगा एक्सपोनेंशियल सीरीज है ना, द बाय एक्सपेंशन ऑफ द साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो वो कैसे होता है आपका, ये मैं आपको बता दूं, यूलर्स थ्योरम का हम यूज करते हैं, और मैंने आपको लिटरेचर भेजा हुआ है, उसके अंदर सब ड्राइव किया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट टर्म पर और मैं डिटेल इसको कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको आप वन बाय वन आप करते जाइए, जिसके अंदर होता है आपका ये आपका यूलर्स थ्योरम है, साइन थीटा बराबर होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस थीटा की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव, है ना। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द साइन थीटा, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। साइन थीटा बराबर होता है आपका और ऐसे ही आपका कॉस थीटा बराबर होता है, ये होता आपका वन माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस थीटा की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, और इन्हीं की वैल्यूज हम एच वन एच टू और पी वन पी टू के अंदर रख करके इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट टर्न पर ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो इससे हम एच वन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो आज आपने पढ़ लिया कि सातों इक्वेशन ऑफ द पियर्स, आप अपने नोट्स बना लीजिए, उनके अंदर इन ये जो फिगर मैंने आपको भेजा हुआ है इसको आप ड्रॉ करके इन सातों इक्वेशन को आप ड्राइव करिए, ठीक है ना। और इन पर हजारों क्वेश्चंस आपके गेट या आपके जो एग्जाम वगैरह होगा या मिड टर्म वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इनका यूज भी होता है डिजाइनिंग वगैरह के अंदर, ठीक है। तो हम इन्हीं यूलर्स थ्योरम एक्सपेंशन ऑफ द साइन थीटा एंड कॉस थीटा का यूज करके हम करेंगे। तो दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्न पर हम इसको डेरिवेशन करेंगे। ओके okay.